हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मिस्टर धर्मेंद्र सिंह फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नरेशन। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज ए नरेशन। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। ऑन अदर हैंड वी कैन से द वे टू एक्सप्रेस द वर्ड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड ए नरेशन। बेटा देखिए, नरेशन का मतलब होता है बेटा स्टेटमेंट। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नरेशन हम उसे कहते हैं बेटा द वे जो वक्ता के कहने के, यानी स्पीकर होता है बेटा, उसकी बात को कहने का जो तरीका होता है वो उसी को ही हम नरेशन कहते हैं। नरेशन कहते हैं टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक तो डायरेक्ट नरेशन होता है और सेकंड क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन। एक डायरेक्ट नरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का तो वो होता है बेटा टू एक्सप्रेस द एक्चुअल वर्ड ऑफ ए स्पीकर। एक वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स को कहने का जो तरीका होता है वो तो क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्ट नरेशन। और व्हेन वी एक्सप्रेस द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन हिज ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता है उसे तो हम कहनी बेटा वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। The part which is enclosed within inverted comma, बेटा जो भाग inverted comma के अंदर enclosed होगा, जिस भाग को inverted comma के अंदर बंद रखा जाता है वो भाग को reported speech कहलाता है। The part which is remain without inverted comma, that is called reporting a verb. For example, देखिए बेटा, Ram said to me, I am going to Agra now. तो यहाँ पर ये राम सेड टू मी दे रखा है बेटा। देखिए ये विदाउट इन्वर्टेड, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद हमेशा हमें कॉमा का यूज करना होता है। आई एम गोइंग टू आगरा नाउ। अब ये देखिए बेटा, आगरा नाउ दिया गया है, आई एम गोइंग टू, ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है बेटा, बंद है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एनक्लोज्ड है तो इस पार्ट को हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और ये भाग है बेटा, ये जो पार्ट है ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में है, तो हम इस पार्ट को हमेशा क्या कहेंगे बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो फर्स्ट वर्ड होता है इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहा जाता है। और ये पार्ट होता है बेटा, इसको हमेशा क्या कहा जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अब हम चेंज करेंगे, हमें तो ये नहीं कहता है, एक तो असर्टिव सेंटेंस दिए गए हैं, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं बेटा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे सिलेबस में है जिनको हमें बदलना होता है। लेकिन फर्स्ट थिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, पहले तो आपको देखिए कि बेटा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो सेंटेंस होगा बेटा, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थ्री मेजर चेंज होते हैं बेटा, तीन महत्वपूर्ण चेंज होते हैं। आज मैं आपको तीनों चेंजमेंट आपको बता रहा हूं बेटा। देखिए टू चेंज प्रोनाउन, फर्स्ट परिवर्तन ये रिपोर्टेड स्पीच में होकर बेटा टू चेंज प्रोनाउन, कि हाउ वी चेंज प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम कहते हैं कि प्रोनाउन किस प्रकार चेंज करते हैं बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए बेटा, हमारे पर्सनल जो प्रोनाउन्स होते हैं थ्री काइंड्स, पर्सन, इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ईच पर्सन हैज थ्री फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हर पर्सन की बेटा तीन फॉर्म होती हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पोसेसिव फॉर्म। सबसे पहले देखिए बेटा, हमारे फर्स्ट पर्सन टू होते हैं बेटा, दो प्रकार के फर्स्ट पर्सन होते हैं बेटा, एक तो आई होता है, आई की पोसेसिव फॉर्म माई और मी। सेकेंड फॉर्म होती है बेटा वी, आवर और एस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, इनकी सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिए बेटा, सेकंड जो पर्सन है,
सेकंड पर्सन केवल वन होता है द सेकंड पर्सन यू योर और यू यू योर यू बाकी जो भी बच गए हैं वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं होते हैं हमारे थर्ड पर्सन क्या कहते हैं होते हैं एक तो ही हिज हिम सी हर और हर दे देयर दे इट इट्स और इट बेटा ये तीन पर्सन होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म पोसेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम प्रोनाउन में इन्हें चेंज करना होता है बेटा और ऑल चेंज वी डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देखिए बेटा दो पर्सन चेंज होते हैं एक तो हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है और एक सेकंड पर्सन चेंज होता है लेकिन थर्ड पर्सन चेंज कभी नहीं होता है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब पहला पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है इसका एक छोटा सा फॉर्मेशन होता है बेटा सन अपॉन 123 एस मींस सब्जेक्ट ओ मींस ऑब्जेक्ट एन मींस नो चेंज वन फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन और ये है बेटा थ्री थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन हमेशा किसकी क्या होता है बेटा नो चेंज कोई चेंज ही नहीं होता है ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द अदर पार्ट अब देखिए बेटा ये तो था बेटा हमारा क्या करना था बेटा टेंस चेंज था ना प्रोनाउन चेंज था अब मैं आपको टेंस हाउ वी चेंज टेंस देखिए बेटा टेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं टू चेंज टेंस किस प्रकार टेंस चेंज किया जाता है बेटा देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखिए बेटा डायरेक्ट में यदि आपको वी वन दे रखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या एस दे रखा हो तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं अगर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और यहां पर यदि बेटा डू या डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू या डज के साथ यानी डू या डज प्लस नॉट ये डिड में बदल जाते हैं बेटा डू या डज डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज वी कैन से दैट ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस सभी प्रेजेंट के पास्ट में चले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में अब देखिए बेटा यदि आपका इजमार होगा तो वो इजमार बोध वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है बेटा हैज हैव होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी तो बेटा इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इधर थर्ड फॉर्म हैड हैव है तो यहाँ पर हैड हैव है तो ये हैड हैव किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज ना थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे ये अगर इधर हैज हैव के साथ हम बीन जोड़ेंगे बेटा हैज हैव प्लस बीन तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा हैड बीन अब ये देखिए बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस केवल हमें ये देखना है बेटा यदि हमें पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ये किस में बदल जाते हैं बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये ध्यान रखना है और एक अगर आपको वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा हो तो ये भी क्या हो जाते हैं बेटा हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के अंदर ये क्या हो जाते हैं बेटा चेंज हो जाता है ओके बट ये बात ध्यान रखिए बेटा पास्ट कंटीन्यूअस
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम नरेशन चेंज में नरेशन में टेंस चेंज नहीं करते। अब शैल होता है वेदर, शैल या विल होंगे तो शैल विल शुड और वुड में चेंज हो जाते हैं वेदर, और ज़्यादातर शैल है वो वुड में ही चेंज होता है। और कैन है वेदर, कैन इसमें चेंज हो जाएगा वेदर वुड, और मे है वेदर वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब एक मस्ट का ध्यान रखिए बेटा, मस्ट होता है तो वो मस्ट का क्या रहता है बेटा, मस्ट या वहाँ पर किस में चेंज हो जाता है बेटा, वो हैड टू में मस्ट हो जाता है, या हैड टू में या वुड हैव टू के अंदर ये क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था बेटा हमारे टेंस यानी ऑल प्रेजेंट, पास्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, नाउ लास्ट वी हैव बेटा, देखिए डिस्टेंटिंग वर्ड जो होते हैं बेटा उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं ये और देख लीजिए बेटा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, जो डिस्टेंस के वर्ड जो होते हैं बेटा, उनको किस प्रकार हम चेंज करते हैं डिस्टेंटिंग वर्ड्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, देखिए बेटा, देखिए बेटा अगर आपका दिस है, देयर, हेयर, देयर, दीज, दोज, नाउ, देन में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर के अंदर, और ये कहते हैं टुमारो किसके अंदर चेंज हो जाता है बेटे, द फॉलोइंग डे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, द फॉलोइंग डे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या बेटे फिर द नेक्स्ट डे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी प्रकार हेंस है वो देंस में चला जाता है, अगो है वो बिफोर में, ये इस प्रकार कुछ वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये था बेटा हमारे थ्री मेजर रोल जो चेंज होते हैं, जो किस में चेंज होते हैं बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, थैंक्स, हैव ए